गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र के अंबाटोली गांव में अज्ञात अपराधियों द्वारा लाठी से पीट पीट कर 38 वर्षीय युवक सुरेंद्र सिंह उर्फ चरका की निर्मम हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना देर रात्रि की है। रविवार को घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी राहुल कुमार झा सशस्त्र पुलिस बलों के साथ अंबाटोली गांव घटनास्थल पहुंचे और मामले की तहकीकात की। इसके बाद मृतक सुरेंद्र सिंह उर्फ चरका का शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया। घटना की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी राहुल कुमार झा ने बताया कि सुरेंद्र सिंह उर्फ चरका की हत्या अज्ञात अपराधियों द्वारा लाठी से पीट पीट कर की गई है। इस घटना की जांच की जा रही है। इसके साथ साथ अज्ञात अपराधियों की भी तलाश में पुलिस जुटी है। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक सुरेंद्र सिंह उर्फ चरका शराबी और झगड़ालू किस्म का व्यक्ति था। गांव और घर परिवार में उसका किसी से संबंध अच्छा नहीं था, जिसके कारण परिवार और पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। थाना प्रभारी ने बताया मृतक परिवार से अलग घर में रहता था। बीते रविवार देर रात्रि को अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर सुरेंद्र सिंह चरका को लाठी से पीट पीट कर निर्मम रूप से हत्या कर दी। हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद रात्रि होने का फायदा उठाते हुए अज्ञात अपराधी फरार होने में सफल रहे। पुलिस सरगर्मी के साथ तलाश कर रही है। घटना में संलिप्त अपराधी जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में होंगे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला झारखंड से अजीत सोनी की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।